हेलो गाइस, वेलकम टू फोटोग्राफी ट्रिक्स। तो आज आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि कैसे हमने अपने एक नॉर्मल से फूल वाली इमेज को एक एडिटेड वन, मतलब एकदम डार्क मूडी शेड में कन्वर्ट किया है। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जाएंगे लाइट सेक्शन में। आप देख सकते हैं अपनी फ़ोटो जो है थोड़ी वाइटिश शेड में है, तो हम अपना कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रास्ट से होता है कि थोड़ा जो डार्क पार्ट है और वाइट पार्ट है उसमें डिफरेंशिएशन बढ़ जाता है। और उसके बाद हाइलाइट्स को कर देंगे कम, ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ये हाइलाइट्स वाला पार्ट है तो उसके लिए हमने उसको कर दिया है कम। इन शेडोज़ को बढ़ा देंगे क्योंकि डार्क पार्ट ज़्यादा ही डार्क हो चुका है, वाइट्स को थोड़ा और बढ़ा देंगे। आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट करना है वाइट्स और ब्लैक्स को। इसके बाद हम जाएंगे कर्व सेक्शन में। कर्व सेक्शन में आपको जाना है आरजीबी पे। आरजीबी पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम ऊपर करेंगे वैसा फेड बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हमने फेड को थोड़ा बढ़ा लिया है और फोटो में थोड़ा मूडी टोन लाने के लिए इस कर्व को नीचे लेना है। देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया एक नॉर्मल फ़ोटो और उसमें। इसके बाद रेड में जाएंगे, थोड़ा सा रेड का भी हम कर्व लगाने वाले हैं। रेड जो होता है वो ऊपर किया तो रेडिश पार्ट टिंट देता है और नीचे किया तो ग्रीनिश टिंट देता है। तो हमें ग्रीनिश टिंट चाहिए इसलिए हमने रेड का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस आया बस तो कर्व यूज़ करके, नॉर्मल फ़ोटो और एडिटेड वाली। ये सभी लाइट सेक्शन में हो गया। इसके बाद हम जाएंगे कलर सेक्शन में। कलर सेक्शन में जाने के बाद हम टेम्परेचर कर देंगे कम क्योंकि हमें थोड़ा मूडी टोन चाहिए। देन वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि सभी हमने जो जितने भी फिल्टर यूज़ किए उसमें सैचुरेशन बूस्ट हो रहा है। इसके बाद जाएंगे कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद रेड को हम कम कर देते हैं, नहीं हम बढ़ाएंगे। ये जो पार्ट है दिख रहा है आपको, ये सभी रेड वाला पार्ट है। देन ऑरेंज, ऑरेंज का सैचुरेशन कम कर देंगे। येल्लो, येल्लो का भी सैचुरेशन ज़ीरो कर देंगे। ग्रीन, देन आपको ग्रीन को डिसाइड करना है कि आपको कैसा मूडी ग्रीन चाहिए। मुझे थोड़ा डार्क शेड वाला ग्रीन चाहिए तो मैंने थोड़ा इधर ह्यू बढ़ा दिया है और सैचुरेशन को भी बढ़ा रहा हूँ। लुमिनेंस आप कम कर सकते हैं अगर ज़्यादा मूडी शेड चाहिए हो तो, मैंने यहाँ पर लुमिनेंस कम कर दिया है। देन कमिंग टू स्काई ब्लू, स्काई ब्लू हमें चाहिए नहीं है तो हम इसको भी सैचुरेशन ज़ीरो कर देंगे। ब्लू का भी सैचुरेशन कम कर देंगे। देन पर्पल और पिंक, पर्पल अगर आपको ये जो पार्ट है फ्लावर वाला उसको हाईलाइट करना है तो आप इसका सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ही बढ़ाऊँगा, 10 बहुत हो गया। एंड पिंक भी सेम, ये भी बहुत हो गया। इसके बाद हम जाएंगे क्लैरिटी इफ़ेक्ट सेक्शन में। इफ़ेक्ट सेक्शन में जाने के बाद हम क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ी शार्पनेस बढ़ाने के लिए इमेज की। देख सकते हैं डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। देन डीएस भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मूडी चाहिए हो तो। एंड विनिएट को कर देंगे निगेटिव साइड, मिड पॉइंट को बीच में, फीदर को थोड़ा कम। विनिएट बहुत ज़्यादा हो चुका है तो विनिएट को कर देंगे कम। देन हम जाएंगे सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल में जाने के बाद आपको लेना है राउंड वाला, राउंड से आपको फ्लावर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फ्लावर को सिलेक्ट करने के बाद हम फ्लावर का थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाने वाले हैं कि वो हाईलाइट होके दिखे। देन कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। देन कमिंग टू सैचुरेशन भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फ्लावर का ही बढ़ना चाहिए इसलिए हमने वो जो राउंड वाला है वो सिलेक्शन टूल यूज़ किया है। इन क्लैरिटी बढ़ा देंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो पूरे इमेज में पॉपअप होके दिख रहा है। देन हम और एक टूल सेलेक्ट करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, इससे जो ऊपर का पार्ट है आप देख सकते हैं लाइटिश पार्ट है और बाकी का सब डार्क पार्ट है, तो उसको डार्क करने के लिए हमने ये यूज़ किया है। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, हाईलाइट्स को पूरा डार्क कर देंगे। शेडोज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं शेडोज़ को भी थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ये हमारी फ़ोटो हाफ ऑफ द वर्क डन हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे प्रोफाइल सेक्शन में।
प्रोफाइल सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोफाइल आर्टिस्टिक वन, बहुत ही डिफरेंट लुक दे रही है ये प्रोफाइल, एक पिंकी शेड ला रही है। आर्टिस्टिक टू, आर्टिस्टिक थ्री, मुझे ये थ्री वाला बहुत पसंद है तो मैं ये यूज़ करने का सोच रहा हूँ। आर्टिस्टिक थ्री, फिर आर्टिस्टिक फोर, ये भी एक अलग लुक देता है फ़ोटो को। तो यहाँ पे हम करेंगे आर्टिस्टिक थ्री का यूज़, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम करेंगे, 23% यूज़ करेंगे उसको, राइट कर देंगे। इसके बाद हम फ़ोटो को एक्सपोर्ट करेंगे, फ़ोटो को अपने हाईएस्ट क्वालिटी पे एक्सपोर्ट करना है, JPG फॉर्मेट में 100% क्वालिटी, और इसको एक्सपोर्ट करना है। और ये एक्सपोर्टेड फ़ोटो हम अपने पिक्सआर्ट में ऐड करेंगे। अब हमारी फ़ोटो हो गई है एक्सपोर्ट, अभी हम जाएंगे पिक्सआर्ट में। पिक्सआर्ट ओपन कर लिया है, पिक्सआर्ट में अब फ़ोटो को एडिट करना है। एडिट फ़ोटो, हम रिसेंट वाला फ़ोटो लेंगे, रिसेंट वाले फ़ोटो को हम एडिट करने के लिए ले लेंगे। इसके बाद हमको चाहिए, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस हमको टेक्स्ट ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में हम लिखेंगे फ्लावर, टेक्स्ट लिख लिया, हो गया हमारा टेक्स्ट डन। अभी हमको फ्लावर के लिए एक टेस्ट ढूंढना है कौन सा अच्छा लगता है, तो ये ग्लोरिया करके जो टेक्स्ट है वो हम यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा ऐसे टेक्स्ट लेना है कि थोड़ा ओवरलैप हो अपने फ्लावर के साथ, मतलब हम उस टेक्स्ट को एरिया से निकाल लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में। ये हमने टेक्स्ट ले लिया, देन इसके बाद हम और एक टेक्स्ट ऐड करेंगे जो है पिंक, ऐड कर देंगे। बट यहाँ पे ये याद रखना है कि हम थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रखने वाले हैं, मतलब पिंक लिखेंगे बट उसका कलर हम चूज़ करेंगे येलो, थोड़ा डिफरेंट कुछ लाने के लिए हमारे पिक में। इसको हमने कर लिया सिलेक्ट येलो, एंड देन जो फ्लावर था उसका थोड़ा पार्ट हम इरेज करने वाले हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे हम इरेज करने वाले हैं। आपको इस पर पूरा ध्यान रखना है कि आप एकदम अच्छे से इसको इरेज और जो कुछ भी है रिस्टोर इरेज करें, उसके हिसाब से ही आपका पिक की वैल्यू बढ़ने वाली है। एकदम एजेस तक इरेज करेंगे, ये हमने कर लिया इरेज। इसके बाद ई को भी इरेज करना पड़ेगा, देख सकते हैं डिफरेंस। ये हो गया इरेज, आप देख सकते हैं पिंक फ्लावर करके जो मैंने वर्ड लिखा है वो रेडी हो चुका है। एंड ये हमारी पहले पिक थी पिक्सआर्ट में और ये एडिटेड वाली हो चुकी है। सो यही था गाइस हमारे आज के ट्यूटोरियल में, पहले आपको लाइटरूम में फोटो को कलर ग्रेड करना है, देन पिक्सआर्ट में आके आपको अपने फॉन्ट इसमें डालने हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको डालना है और उसको थोड़ा इरेज करके ऐसे दिखाना है, 3D इफेक्ट लाना है। अब मैं यहाँ पे ई को ऊपर भी ले सकता था जिससे कि 3D इफेक्ट आता, बट मुझे पूरा का पूरा ही पीछे लेना था इसलिए मैंने पीछे ले लिया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।